जीएसटी किसने लागू किया? वो महबूबा जी ने लागू किया ना। ये 370 खाली था, दो खानदानों के लिए था, या तो शेख खानदान के लिए था नहीं तो मुफ्ती खानदान के लिए था। परमानेंट होता तो शायद ये खत्म नहीं हो सकता था, क्यों नहीं कांग्रेस ने आज तक इसको परमानेंट नहीं किया? कम लोग हैं जो टैक्स देते हैं, लोगों को टैक्स देना चाहिए, टैक्स से देश चलता है, टैक्स से हमारी फौज जो है, हम फौज के ऊपर खर्चा होता है। सुनने में आया 15% के हिसाब से, ये अभी वर्बली हम सुन रहे हैं। गवर्नमेंट का जैसे भी ऑर्डर होगा उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, लागू करेंगे हम, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या कांग्रेस हो या पीडीपी सरकार हो, इन्होंने लोगों को दुखी दिए हैं। ये मिलिटेंसी भी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन देन है। 60 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हुकूमत की या कांग्रेस ने हुकूमत की, अपने महल बनाए, चाहे लंदन में बनाए, फॉरेन में बनाए, चाहे अपने देश में बनाए। आज हमारे 15 से 20 लाख लोग जो बेरोजगार हैं, हमारे बच्चे और बच्चियां। खुशहाल बात है कि ये यूरोपियन डेलीगेशन, इसका नाम है बेसिकली, ये 20 लोगों, 20 ममालिक से 20 लोग हैं, इसमें बांग्लादेश भी शामिल है। कम लोग हैं जो टैक्स देते हैं, लोगों को टैक्स देना चाहिए, टैक्स से देश चलता है, टैक्स से हमारी फौज जो है, हम फौज के ऊपर खर्चा होता है, टैक्स से हमारे रोड्स बनते हैं, टैक्स से हमारी जो डेवलपमेंट होती है। और दूसरी खुशहाल बात यह है कि ये जो टैक्स हमारे जो टाउन में जो टैक्स आएगा, हमारे म्यूनसिपलिटीज़ में टैक्स आएगा, तो उससे भी हम टाउन में काम कर सकते हैं। जैसे मैं पापड़ म्यूनसिपलिटी से चेयरमैन हूँ और हम ग्राउंड लेवल पर काम कर सकते हैं, चाहे वो ड्रेनेज का सिस्टम हो, चाहे वो पावर का हो, वहाँ कहीं परेशानी हो, या रोड्स का हो, मैक्टिमाइजेशन का हो, टाइल्स का हो, तो इसी टैक्स से हम तो लोगों की खिदमत भी कर सकते हैं और यही पैसा हम लोगों के ऊपर खर्च करेंगे। फीस कहाँ दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं। एक श्रीनगर में कोई देता होगा तो, अगर हम अपने टाउन की बात करें, हमें सैनिटेशन फीस नहीं मिल रहा है। अभी हमने रिसेंटली, जब से मैंने चार्ज संभाला, हमने एक 100 रुपये पर हाउस हमने कर दिया है कि हर एक घर वाला 100 रुपया देगा, हम सफाई करवा देंगे, ड्रेन साफ करा देंगे, रोड साफ करवा देंगे। इस 100 रुपये से क्या मसला हल हो सकता है? 100 रुपये तो कोई मसला नहीं है। हाँ, मेन मसला जो है, जो लोग बिल्डिंग्स बना रहे हैं, बिल्डिंग परमिशन तो देते हैं लेकिन इसमें भी दांडी होती है, इसमें भी करप्ट लोग पैसा लेकर तो जीआर काटते नहीं हैं। तो इस पर ये अच्छी बात, खुशहाल बात है कि टैक्स देना चाहिए, कि टैक्स जब हमारे पास पैसा आ जाएगा, म्यूनसिपलिटी में आएगा, गवर्नमेंट के पास आएगा ये टैक्स, तो इससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लोग का काम हो सकता है। अगर पूरे लोग, सारे लोग जो बिजनेसमैन हैं, पूरा टैक्स देंगे और इतनी मुश्किल हमें नहीं होंगी जितनी मुश्किल से हम गुजर रहे हैं। शायद इतना गैस का भी रेट नहीं चढ़ेगा, शायद पेट्रोल का भी रेट नहीं चढ़ता, क्योंकि पेट्रोल गैस का जो रेट चढ़ गया है इंटरनेशनल मार्केट में, उस वजह से देश पर भी असर पड़ेगा। देश को, प्रधानमंत्री को, या जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, इस पर तो असर पड़ता है। ये हर देश में है, जब नेशनल इंटरनेशनल मार्केट में तेल का जब दाम बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली हर देश के ऊपर इसका असर पड़ता है। तो इसलिए टैक्स, जब टैक्स गवर्नमेंट को आएगा, हर लोग टैक्स देंगे, तो इसी टैक्स से हम काम करेंगे, इसी से रोड बनेंगे, इसी से मैग्नमाइजेशन होगा, इसी से टाइल बनेगा, इसी से ट्रेन बनेगी, इसी से हम और भी काम कर सकते हैं, इसी से हम बिजली के पोल भी लगा सकते हैं, तार लगा सकते हैं, इवन कि इस टैक्स से हम फिर लोगों को, जो हमारे मुलाजमीन, उनको पे भी मिल सकती है। जो हमारे बहुत सारे मुलाजमीन अभी बहुत मुश्किल से दो चार हैं, हमारे डेलीवेजर्स, जिनको अभी कई को साल से उनको पे नहीं मिल रहा है, तो यही कारण है कि गवर्नमेंट के पास कुछ कमियां हैं अभी। इसलिए टैक्स लोगों को देना चाहिए ताकि हम भी लोगों के लिए कुछ कर पाए। ये अभी गवर्नर साहब ने जो फैसला लिया है, इसका अभी हमें लिस्ट नहीं पहुँचा है, पर कितने परसेंट के हिसाब से, अभी सुनने में आया 15% के हिसाब से, ये अभी वर्बली हम सुन रहे हैं। देखते हैं कि जिस तरह से गवर्नमेंट का जैसे भी ऑर्डर होगा उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, लागू करेंगे हम। 15% जो है वो बहुत होएगा। को पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट सोच समझ के हर फैसला लेती है। कोई फैसला जब भी गवर्नमेंट को लेना होता है, उसमें एलजी साहब भी रहता है, क्योंकि वो हेड है स्टेट का, और जो भी फैसले 15% हो या कम हो, ज़्यादा हो, तो अगर ज़्यादा होगा तो उसमें हम एलजी साहब को
मिलके उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारे लोगों के ऊपर थोड़ा सा रहम होना चाहिए, क्योंकि ये 30 साल से ये हमारी रियासत जो है जम्मू कश्मीर यूटी सरकार जो आजकल है, तो बहुत परेशानियाँ उठाई लोगों ने 30 साल से, तबाह बर्बाद हो गए हम लोग। तो गवर्नमेंट भी इस बारे में बाखबर हैं, लेकिन कोशिश करेंगे हम अलजी साहब तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि ऊपर अभी तक पूरा तो अभी लिस्ट आया नहीं, जो ही हमें ये पता चलेगा कि इसमें कुछ आगे पीछे करने की ज़रूरत हो तो हम अलजी साहब तक अपने जो भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं उन तक ये बात पहुँचा देंगे। अपने जो हमें टॉप लीडरशिप है हमारे भारतीय जनता पार्टी की, हमारे स्टेट प्रेजिडेंट है रविंदर रैना जी, हमारे अशोक कौल जी, हमारे ऑर्गेनाइज जनरल सेक्रेटरी है जो हमारे ताकतवर नेता हैं कौल साहब, हम उस तक भी बात पहुँचा देंगे ताकि वो भी आके सेंटर से बात करेगा, एलजी साहब से बात करेगा। देखिए जीएसटी किसने लागू किया? वो महबूबा जी ने लागू किया ना, बीजेपी। सुनिए ना मेरी बात, जीएसटी भी महबूबा जी ने ही लागू किया है इस, और लेकिन वो मुल्की सतह पर वो करना था तो उस वक्त उसको करना ही था। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं कि लोगों के लिए चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या कांग्रेस हो या पीडीपी सरकार हो, इन्होंने लोगों को दुखी दिए हैं। आप देख रहे हैं कि जो आजकल जो आप मिलिटेंसी देख रहे हैं, ये मिलिटेंसी भी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है। इन्होंने इस रियासत को तबाह बर्बाद करके रखा है। 60 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हुकूमत की, यहाँ कांग्रेस ने हुकूमत की, और आप देख रहे हैं कि हमारे कितने मतलब घर के घर उजड़ गए हमारे इस मिलिटेंसी से, और अरबों खरबों रुपया आया है हमारे हिंदुस्तान से यहाँ डेवलपमेंट के लिए, कश्मीर के लिए, लोगों के लिए। लेकिन इन लोगों ने अपने घर बनाए, इन्होंने अपने प्रॉपर्टीज़ बनाए हैं, इन्होंने अपने ऐशो अशरत अपने महल बनाए, चाहे लंदन में बनाए, फॉरेन में बनाए, चाहे अपने देश में बनाए। लेकिन एक तरह से लोग खुश थे जब हाल ही में इन लोगों को जेल भेजा गया था, तो लोग खुश थे कि इनको इनसे पूरा हिसाब लिया जाएगा। हालांकि लोग सवाल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि अगर ये इनसे पूरा हिसाब लिया जाएगा, जो जिन लोगों ने ये संपत्तियां गैर संपत्तियां इसको कहेंगे, जो बनाई हैं प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं और लोगों के नाम रखी हैं प्रॉपर्टीज़, उसमें बहुत सारे हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के मिनिस्टर्स, MLAs मुलवस हैं और भी पार्टीज़ के लोग भी। इसमें एक जाँच होनी चाहिए, हर एक MLA को चेक करना चाहिए, NIA को चाहिए कि इनको चेक करना चाहिए, जितने MLAs हैं, मिनिस्टर्स हैं, चाहे वो चीफ मिनिस्टर क्यों ना हो, बजाय खुद उमर अब्दुल्ला क्यों ना हो, इनको चेक करना चाहिए कि इन्होंने जो संपत्ति बनाई, प्रॉपर्टीज़ बनाई, पैसा आया कहाँ से। और भी कई यहाँ पर ब्यूरोक्रेट भी हमारे हैं, कई हज़ारों ब्यूरोक्रेट जिनमें जिन्होंने अरबों और खरबों में प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं। आज हमारे 15 से 20 लाख लोग जो बेरोज़गार हैं, हमारे बच्चे और बच्चियाँ जिनके पास रोज़गार नहीं है, अगर इन लोगों ने लोगों के लिए कुछ किया होता शायद इतनी बेरोज़गारी नहीं होती। कानून MPs का काम होता है, कानून बनाना पार्लियामेंट का काम होता है। जो MP पार्लियामेंट में भेजे जाते हैं, यही लोग उनको यही लोग भेजते हैं MPs को, जिता के असेंबली में भेजते हैं, MLAs को भेज कानून बनाने के लिए। दैट मीन्स अगर कानून वो लोग बनाते हैं पार्लियामेंट में, असेंबली में MLAs बनाते हैं कानून, तो वो लोग ही लोगों ने वो लोगों के नुमाइंदे होते हैं ना, लोगों उठा के थोड़े पार्लियामेंट में बिठाएंगे तो वो कानून बनाएंगे। हैं इंशाल्लाह आने वाले टाइम में, अभी गवर्नमेंट सोच, हमारे होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि आने वाले टाइम में हम यहाँ हम स्टेट दे देंगे, वापस स्टेट थोड़ा मिल जाएगा, उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन अब टाइम पर अमित शाह जी जो हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने वादा किया है अपने पार्लियामेंट में, उन्होंने अनाउंसमेंट की थी। लेकिन कानून बनाने तो पार्लियामेंट का ही काम है ना, तो गलत कानून कहाँ से बना। मैं मुबारकबाद देता हूँ इसका नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने ये थर्ड अमेंडमेंट किया है, 74 और 73, और उसके बाद ऑनरेबल अमित शाह जी को और हमारे जो वजीर कानून है, लॉ मिनिस्टर हमारे हैं, उनको मुबारकबाद देता हूं। और साथ साथ में अपने LG साहब को, जिन्होंने यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर ये इम्प्लीमेंट किया है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर तो वही सरपंच पंच काम करता है, ग्राउंड लेवल पर यही कॉरपोरेटर, यही काउंसलर काम करता है, और यही जैसे मैं चेयरमैन बना हूँ, काउंसलर से ही तो मैं बना हूँ चेयरमैन, तो ग्राउंड लेवल पर तो हम ही काम करते हैं। ये अच्छा कदम है, क्योंकि ये PHE जितने मैं कहता हूँ ये 38 डिपार्टमेंट्स हैं, और इनको जवाब दे तो बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी जब से मैंने अपना ये ऑफिस संभाला, कई ऑफिसर्स के कई डिपार्टमेंट, PHE हो, मैंने PDD से भी मीटिंग्स ली है, मैंने
फूड डिपार्टमेंट जो इनका टी एस ओ था अलॉन्ग विद स्टोर कीपर्स, इसी तरह तो अभी और बाकी आई सी डी डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर हैं, और भी कई डिपार्टमेंट्स हैं, इनके साथ भी हमारे मीटिंग्स इनके बाकी हैं अभी, और उनको जवाबदेह बनाना पड़ेगा। चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी है, तो जब तक न हम इनको जवाबदेह बनाएंगे, हमें कश्मीरियों में एक आदत सी हो गई है हमें घर बैठकर तनख्वाह मिलना चाहिए। लेकिन मैं अपनी तरफ से कहूँगा, अपने टाउन पापुर की तरफ से कहूँगा, तहसील पापुर की तरफ से कहूँगा कि कम से कम मैं पूरी तरह से ये इम्प्लीमेंट करूँगा, और जितने भी डिपार्टमेंट होंगे कि वो बिल्कुल हाजिर रहेंगे, लोगों के साथ तालमेल रखेंगे, अपने ड्यूटी पर हाजिर रहेंगे और काम करेंगे, जो भी मुलाजिम जिस भी डिपार्टमेंट से हो, और उसके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। गैर हाजिर हो या काम नहीं करेगा, हमारे इसमें बहुत सीरियस हमारे जो डिप्टी कमिश्नर है, हमारे डॉक्टर लंगर साहब, हमारे डिप्टी कमिश्नर पुलवामा है, बहुत डेड ऑनेस्ट डिप्टी कमिश्नर है और बहुत काबिल तरीन है। और कोविड की अगर हम बात करें, कोविड में भी वो तीन बजे रात तक वो हमारे पापोर में घूमते रहे, पापोर इलाके में गए, गाँव में, कोविड में उन्होंने कितना काम किया। हमारे एडिशनल डीसी जफर साहब, हमारे एडीसी अवंतीपुरा, हमारे तहसीलदार साहब इश्तियाक साहब, हमारे एसएचओ साहब, पुलिस एसएसपी, खुसूसन एसएसपी हमारे ताहिर सलीम साहब, मतलब, और मैं उनके साथ साथ रहा। हम एक एक बजे रात घर में घुसते थे क्योंकि टाइम नहीं मिलता था, कहाँ स्प्रे करना है, कहीं का मतलब सैनिटाइजेशन का जो भी था, मतलब बहुत काम किया हम लोगों ने। लेकिन उसका जो मेन जो बॉस था वो था हमारे डिप्टी कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर लांगर साहब, वो बहुत मेहनतकश इंसान है और बहुत नेक इंसान है, और उसने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो हो उसको हमेशा टाइट करके रखा है, और आज उस पर खुश हैं और हम भी खुश हैं क्योंकि जब तक डीसी साहब अभी हैं हमारे लंगर साहब हमारे पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में, मुझे पूरी उम्मीद है कि अफसर भी डरे हुए हैं कि वो पूरी तरह से अपने काम को सर अंजाम देते हैं। खुशाइंद कदम है, ये खुशाइंद बात है कि ये यूरोपियन डेलीगेशन, इसका नाम है बेसिकली, ये 20 लोगों 20 ममालिक से 20 लोग हैं, इसमें बांग्लादेश भी शामिल है, और साथ साथ गवर्नमेंट ने कई जगहों पे ये ऑर्गेनाइज़ किया है कि ये डेलीगेशन जिससे चाहें लोग ये उनसे मिल सकते हैं, ये भी उन लोगों से मिल सकते हैं, डेलीगेशन मिल सकते हैं। लेकिन इसमें क्या एक प्रोसीजर होता है, हर चीज़ में एक प्रोसीजर होता है, हर चाहे वो एनजीओज हो या जनरल पब्लिक हो या कोई फ्रूट ग्रोवर्स हैं, हाँ फ्रूट ग्रोवर्स सोपोर है, वो मिलना चाहते थे, शायद उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिली क्योंकि लेट ओवर्स में उन्होंने आज फ़ोन किया है कि हमें डेलीगेशन से मिलना था। लेकिन इसी तरह फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन शोपियान, या मतलब जो हमारे ट्रेडर्स हैं, श्रीनगर ट्रेडर्स हैं या बाकी डिस्ट्रिक्ट के ट्रेडर्स हैं, उनको मिलना चाहिए, जो यहाँ के बिजनेस में, उनको डेलीगेशन से मिलना चाहिए, दरवाजे खुले हैं, उनको कॉन्टैक्ट करना चाहिए, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ऑफिस और या डीसी श्रीनगर हैं हमारे शाहिद चौधरी साहब, उनको हर जब भी कोई डेलीगेशन आती है डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर या डेवका साहब से रबता करना चाहिए, मगर एक हफ्ता चार दिन पाँच दिन पहले रबता करके उनको तो परमिशन मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हालातों को देखने के लिए कि यहाँ के देखो जब से 370 ख़त्म हुआ है, क्योंकि पहले मैं 370 पर अगर आ जाऊँ तो ये 370 खाली था, दो खानदानों के लिए था, या तो शेख खानदान के लिए था, नहीं तो मुफ्ती खानदान के लिए था, क्योंकि ये टेम्प्रेरी था, ये परमानेंट नहीं था। अगर ये परमानेंट होता तो शायद ये ख़त्म नहीं हो सकता था, क्यों नहीं कांग्रेस ने आज तक इसको परमानेंट नहीं किया। नहीं मगर लोखा तो लोग इलाहाक था ना, इसमें था ना बाजाबता, एक था जो उसमें उस टाइम की जो भाई साहब इलाक क्या होता है, मियां बीवी का जब रिश्ता हो तो वहाँ तो एक निकाहनामा बनता है ना, जब हिंदुओं में कोई रिश्ता होता है तो वो तिलक भी होती है, तो ऐसा नहीं होता है, इलाक थोड़ी ज़्यादा नहीं चलता है। इसमें एक जब इलाक था तो उसमें परमानेंट करना चाहिए था कांग्रेस गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन में की बात ही मैं कर रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन में है तो परमानेंट ने क्यों नहीं किया, ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन परमानेंट क्यों नहीं किया कांग्रेस गवर्नमेंट ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 60 साल हुकूमत की है, महबा जी ने हुकूमत की है, मुफ्ती सईद साहब ने मरहूम ने गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर रहे, गुलाम नबी आज़ाद साहब भी चीफ मिनिस्टर रहे, इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात करके इसको परमानेंट कराना चाहिए था, लेकिन इनको कोई दिलचस्पी नहीं, ये लोगों को धोखा दे रहे थे। चाहेंगे कि जो नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है यहाँ पर 370 में ही 371 निकला, आप चाहेंगे वहाँ पर भी पूरी कश्मीरी लोग ज़मीन ले सकें?
دیکھیے کیونکہ جب انٹیگریشن کی بات ہے تو کشمیر کی بات ہے، اروناچل کی بردیش کی بات بھی ہے بھائی صاحب. بھائی صاحب آج کے ڈیٹ میں بھی شاید آپ کو معلوم نہیں ہے، کشمیر میں بہت ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کو ہندوستان کے ہر اسٹیٹ میں پراپرٹیز ہیں، ہر اسٹیٹ میں ان کے فلیٹ ہیں، ہر اسٹیٹ میں ان کے مکانات ہیں. 12 اسٹیٹ میں تو ابھی بھی ہے اسٹیٹ آپ اروناچل نہیں، رولز ریگولیشن ہر اسٹیٹ اپنے اپنے ہوتے ہیں، اگر وہ اپنا فالو کریں گے رولز ریگولیشن، اسٹیٹ کے رولز ریگولیشن فالو کریں گے تو وہاں بھی وہ لے سکتے ہیں، اس میں کیا دقت ہے؟ اس میں کوئی آپتی نہیں ہے، ہوتی ہے اسٹیٹ گورنمنٹ کو یا اپنے دیش کو کیا آپتی ہے؟ بالکل جب بھی وہ چاہیں وہ جا سکتے ہیں.